हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमो नाचो। कल आप लोग के लिए है संडे, और संडे को सब लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बाहर निकले। तो इस वीडियो में मैं कुछ वीकेंड गेटअवेज बताऊंगा, और उसके लिए मैं निकल रहा हूँ गुड़गांव। तो लेट्स गो। नंबर वन है राइड टू गुड़गांव। गुड़गांव तक जाने का रास्ता ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको रास्ते में स्काई स्क्रैपर्स दिखेंगी, रोड्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आप फरीदाबाद गुड़गांव रोड से जा रहे हो तो क्या कहना, दोनों तरफ ग्रीनरी, एक परफेक्ट राइड या ड्राइव के लिए बेस्ट जगह। अगर आप सुबह सुबह जाते हो तो ट्रैफिक कम मिलेगा और मज़ा ज़्यादा आएगा। नंबर टू है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। हम लोग लगभग 50 किलोमीटर अपने घर से यहाँ तक आए। ऑनलाइन कोई भी कहीं भी मेंशन नहीं था कि ये बंद है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये 30 सितंबर तक बंद है। खैर, अब कुछ किया जा नहीं सकता, अपने दूसरे लोकेशन पे चलते हैं। बाहर से ही देख लो ये बोर्ड वगैरह। बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी तो पानी पीने के लिए रुके। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है, ये इतना छोटा सा पाउच है, लगभग आप लगा लो, ये देखो, पहली बार मैंने इतना छोटा सा फ्रूटी जैसा पाउच देखा है। 10 रुपए का है मात्र, और इसे कहते हैं स्मूथ। सही है यार, ऐसा लग रहा है चॉकलेट शेक पी रहा हूँ। अच्छा है। एनीवेज, चलते हैं नंबर 3 पर, जो कि है भुवनेश्वरी माता मंदिर। वहाँ तक जाने के लिए गूगल आपको थोड़ा सा भटकाएगा। एडवाइज़ ये है कि गूगल लोकेशन के साथ आप लोग ये विलेज एंटर करो और फिर वहाँ के लोकल लोगों से रास्ता पूछ लो। तो भुवनेश्वरी मंदिर के लिए रास्ता ये दिखा रहा है। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है क्या किया जाए। अच्छा, ये भुवनेश्वरी मंदिर के लिए रास्ता ये है, यहाँ सीधे चले जाएँ। तो ये नया तरीका है गूगल का फंसाने का, पता नहीं कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। खेतों के बीच में प्लस यहाँ पे लोकल बोल रहे कि रास्ता है ही नहीं। अगेन, वहाँ तक जाने का ये रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये गौशाला के एकदम साइड से रास्ता जाता है मंदिर का। थोड़ा सा मुझे चढ़ाई दिख रहा है इसमें। तो जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ोगे, आपको बाएं तरफ हर भगवान की मूर्तियाँ दिखेंगी। किन किन की देख ली हम लोगों ने? सबसे पहले तो कृष्ण भगवान की, बलराम जी की, परशुराम जी की, राम जी की देखी थी। उसको फिर कछवा अवतार, और लास्ट में भी ये नरसिंह अवतार। हम दिल्ली वालों के लिए परफेक्ट वीकेंड गेटअवे है। शहर के शोर शराबे से काफ़ी दूर आप नेचर के बीचों बीच खड़े हो। मच रिकमेंडेड प्लेस टू विजिट फ्रॉम माई साइड। तो हम लोगों ने अंदर दर्शन तो कर लिए, और अंदर फोटो और वीडियो बिल्कुल मना था, तो हम लोगों ने अंदर कुछ शूट नहीं किया। और यहाँ से थोड़ा आगे जा रहे हैं, और रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्या बढ़िया रास्ता बना रखा है यार, मतलब ये पूरा मंदिर पहाड़ों में बनाया ना, रास्ता दिख रहा खूबसूरत है यार। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कामयाब पिकनिक स्पॉट बन सकता है अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आओ। कितना अच्छा बना रखा है यार ये, क्या लगता है कितना ऊंचा होगा? 20 पच्चीस फीट होगा ये। नंबर 4 है सोना फोर्ट। पहाड़ों में बिना गए पहाड़ों जैसी राइड करनी है तो यहाँ ज़रूर जाएं। तो ये अपन लोग आ चुके हैं सोना फोर्ट व्यू, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ पहुँचने के बाद नज़ारा देखने लायक है। मैंने एक वीडियो किया था बहुत पहले, जब मैं नू गया था, वहाँ से आते टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि कभी मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ का व्यू दिखाऊँगा। आज वही दिन है।
ये देखो कितना पतला रास्ता है इतना सा, और ये ही क्रॉस करके वहाँ तक जाना है। राम 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 राम। अरे तुम तो चले गए। वाह यहाँ से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ये जो भाई लोग आ रहे हैं ये मेन रास्ता था, हम लोग को एडवेंचर करना था तो ये पूरा ऐसे क्रॉस करके आए हैं। तो रियल रास्ता आने का ये है या फिर ये है, और हम लोग एडवेंचर करते करते यहाँ से हैं। नंबर 5 है शिवकुंड। शिवकुंड भी सोना में ही है। बेसिकली ये एक मंदिर है शिव जी का, 500 साल पुराना, और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और यहाँ जो कुंड है उसमें से हर टाइम गर्म पानी निकलता है। आज से 550 साल पहले यहाँ ही बंजारा आया था, चतुर्भुज बंजारा था राजस्थान से। पहले यहाँ पहाड़ थे तो यहाँ एक साकम जति यहाँ तपस्या करे खड़ा एक संत। तो जीठवारे का महीना था, पानी की कमी के कारण पानी ना आ, तो उनके घेर एक कुत्ता था, वह दौड़ता दौड़ता यहाँ तक आया कुत्ता। यहाँ गीली मिट्टी थी उसमें उसने पंजा मारा, सूज जैसी पानी लेके आया, उसमें लोर करके अपने मालिक के पास गया। तो मालिक के पावन में कू कू करने लगा हुआ, तो मालिक समझ गया ये पानी देख के आया। आगा कुत्ता आया पीछे पीछे बंजर आया, देखा था पानी कर रहा, फिर अपने जनावरों को लाया तो जनावरों को पिवाया तो पानी नहीं निकला। तो जो संत थे उनसे कही गुरुजी अगर मुझे मुनाफा हो जाएगा व्यापार में तो मैं ये कुंड बनवाऊंगा। उसने ये कुंड बनवाया। अच्छा तो ये इस कुंड में जो गर्म पानी आता है ये गंधक का पानी है, जिससे चरम रोग हैं ये दूर हो जाते हैं। अच्छा लेकिन ये गर्म कैसे आ रहा है, मतलब इसके? ये गंधक का पानी है। गंधक का पानी मतलब ज्वालामुखी नहीं होती है? अच्छा अच्छा हाँ, इसके नीचे ज्वालामुखी है। अच्छा इसके नीचे ज्वालामुखी है, इस वजह से पानी गर्म आ रहा है। अच्छा यहाँ पे कितने कुंड होंगे? मेन कुंड ये है शिव कुंड। अच्छा और ये भैरव कुंड है। तो यहाँ मैंने सुना है कि अगर आप कोई आता है तो अपना प्राइवेट भी बुक कर सकता है नहाने के लिए। हाँ अच्छा बुक होते हैं यहाँ। अच्छा सभी बुक होते हैं। और ये पूरा मंदिर शिव शिव भगवान का है? हाँ ये शिव के नाम से ही नंगी जानता है। वैसे शिव कुंड वैसे गर्म कुंड बोलते हैं इसे, गर्म कुंड भी कहते हैं। लेकिन शिव कुंड नाम कैसे पड़ा, मतलब शिव भगवान से भी कुछ इसमें जुड़ा हुआ है? जो साकम जति थे नहीं, हाँ हाँ, जो इस कुंड में बैठ जाते थे पूरे जटा फैल जाती थी उसके। अच्छा शिव भगवान की तरह शिव के ही जैसे अवतारी थे। अच्छा अच्छा हाँ, यहाँ मान्यता भी पूरी हो जाती है अगर ढोक लगाते हैं तो। अच्छा अच्छा मतलब ये बहुत पवित्र है। हाँ मान्यता बहुत है इस मंदिर की। हाँ जी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। अच्छा अच्छा जो अगर कहीं भी डॉक्टर नहीं कर देगा ना वो यहाँ एक ठीक हो जाएगा। मतलब किसी भी तरह का चर्म रोग कितना भी साल पुराने जन्म से नहीं उसके, वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा बस इसके एक नहाने से। नंबर 6 है साइबर हब और एरो सिटी। ये दो ऐसी जगह है जहाँ जाना बनता है। जैसे नेचर पार्क होता है वैसे ही साइबर हब एक कॉर्पोरेट पार्क है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। यहाँ जाएं थोड़ा घूमें और फिर अपने मन चाहे फूड आउटलेट में बैठ के खाना खाएं, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये थे कुछ जगह गुड़गांव के, गुरुग्राम के, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।